गठबंधन के उन दलों को भी संदेश दे दिया जो खुद को आरजेडी के मुकाबले मानकर चल रहे थे। इस बार उपचुनाव में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और वीआईपी ने उम्मीदवार उतारे थे। क्या हश्र हुआ सब जानते हैं। इसके बाद अब महागठबंधन में शामिल इन दलों के सुर बदलने लगे हैं, लेकिन विरोधियों को अभी भी लगता है कि तेजस्वी के चलते सब छोड़कर निकल जाएंगे। आरजेडी की जीत से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और वीआईपी को संदेश, गलती से हम और वीआईपी को मिली सीख, तो अब महागठबंधन धर्म निभाएंगे मांझी और सहनी। उपचुनाव में आरजेडी की जीत ने महागठबंधन के घटक दलों को मैसेज दे दिया है कि बिहार की राजनीति में अभी भी वो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। तभी तो परिणाम आने के बाद वीआईपी ने कह दिया, गलती आगे नहीं दोहराएंगे। अगर हम लोग गठबंधन के तमाम साथी जिस तरीके से अलग अलग होकर के हम लोग लड़े, अगर साथ में अगर लड़ते तो निश्चित तौर पे समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र से लेकर किशनगंज से लेकर या सिवान हो या नाथनगर हो, हर जगह हम लोग वहाँ पे चुनाव जीत लेते और मजबूती से जीत पाते। हमारे जीतनराम मांझी फायदा के लिए साथ नहीं हुए थे, आपको मैं बतला दूं, या महागठबंधन फायदा के लिए साथ नहीं हुए थे। उन्होंने अपने शासन काल में जो 34 एजेंडा लागू किया था गरीबों के हित में, तो मुझे लगा कि माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार बनी है तो मेरा फैसला को लागू करेगी जिससे गरीब को भलाई होने का काम होगा, लेकिन उन लोगों ने लागू नहीं किया। तो गलती से सीखेंगे मुकेश सहनी, लेकिन बार बार जनता मौका नहीं देती है, ये कब समझेंगे। हालांकि इस जीत के बाद महागठबंधन के फिर से एकजुटता के संदेश दिए जा रहे हैं, लेकिन विरोधियों को लगता नहीं है कि तेजस्वी के रहते महागठबंधन एकजुट रहेगा। केंद्र से लेकर के राज्य के सारे मंत्री बड़े नेता कैंप किए हुए थे सभी क्षेत्रों में। अगर उपचुनाव में हार को ये बता रहे हैं कि हम हारते हैं तो फिर जीतते हैं, इसका मतलब जो जनता ने वोट दिया है उसके जनता के भावनाओं का वोट का अनादर है। ये झांकी 2015 में भी हमने देखी है, 2009 में भी देखी है। उस समय भी चुनाव के वक्त हम लोगों के उम्मीदवार हारे थे, उन चुनौतियों को हमने अवसर में बदला और इतिहास गवाह है कि 2010 में भी और 2015 में भी हमारे विरोधियों की कड़ी हार हुई। वैसे आरजेडी की जीत के बाद महागठबंधन के एक सहयोगी आरएलएसपी ने अपने साथियों को संदेश दे दिया था कि विवाद अपनी जगह है और सियासी लड़ाई अपनी जगह। कि जो माननीय तेजस्वी जी पे कुछ मुट्ठी भर लोग, चाहे वो सत्ताधारी गठबंधन के लोग हों या विपक्ष के लोग की भी बात मैं कह रहा हूं, जो उनकी क्षमता पे, उनकी लीडरशिप क्वालिटी पे जो क्वेश्चन लगाते थे, उसको भी करारा जवाब तेजस्वी जी ने देने का काम किया है। हम लोगों के लिए एक बड़ा संकेत मिला है जनता के द्वारा कि महागठबंधन के तमाम दल अगर एक साथ चुनाव मिलकर लड़े तो आने वाले 2020 का चुनाव परिणाम इससे भी बेहतर होगा। खैर, उपचुनाव में मिली जीत से सबसे ज्यादा राहत तेजस्वी यादव को मिली होगी, क्योंकि जिन साथियों ने बागी बनकर उनसे मुकाबला किया था वो तेजस्वी को नेता मानने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अब उनके पास कुछ बोलने के लिए बचा नहीं है। यानी इस जीत ने आरजेडी को संजीवनी दे दी है। रुपेंद्र के साथ धीरज, जी मीडिया,